नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 24 अप्रैल 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक-एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की बात भी जो है वो करेंगे। सबसे पहली अपडेट है, डीएलएड के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसकी बात करते हैं। और इसमें जो बातें बताई गई है हम आपको पहले ही अपडेट में बता चुके हैं। इसमें डीएलएड के विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2022 दिनांक 25 अप्रैल 2022 से लेकर 11 मई 2022 तक आयोजित की जा रही है। और इसमें सम्मिलित होने वाले समस्त जो परीक्षार्थी उनको सूचित किया जाता है कि डीएलएड बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रवेश पत्र में अंकित जो परीक्षा केंद्र है उस पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। मैंने आपको पहले भी क्लियर बताया है कि जो भी छात्र हैं इससे संबंधित जिनको नहीं जानकारी मिली है उन तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत से जो छात्र हैं वो थोड़ा लेट पहुंचते हैं, दूर सेंटर बनते हैं, ऐसे में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सेम स्थिति यूपी टेट की परीक्षा में भी देखने को जो है वो मिली थी, जहां पर अंत तक फिर बाद में प्रवेश नहीं दिया गया था। और ये सारी जो चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं नई प्रकार से, तो ये परीक्षा में जो हो रही नकल है, यूपी टेट में हो रही नकल थी, उन सभी को देखते हुए विभिन्न प्रकार के अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, उसी में से ये भी जो है आपका एक है। साथ में ये भी लिखा है परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति जो है इसके अतिरिक्त जो है वो नहीं दी जाएगी। कृपया करके जितने भी छात्र डीएलएड की कल से परीक्षा स्टार्ट हो रही है, तो जितने भी छात्र परीक्षा देंगे सभी के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए न्यूज। अगली अपडेट है, समूह घाट के जो है वो 20,000 से ज्यादा पदों पर जो है वो भर्ती होगी, आउटसोर्सिंग के आधार पर जो है वो भर्तियां होंगी। एडेड स्कूलों के 3089 जो लिपिक हैं उनकी भर्ती भी जो है वो होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग पदों की बात जो है वो की गई है और इनमें लिपिक जो है उनकी भर्ती की बात की गई है। अल्पसंख्यक जो स्कूल है उनमें भी 1161 पद जो शिक्षक हैं उनके रिक्त हैं, इसके लिए भी एजेंसी का चयन भी 6 महीने के अंदर जो है वो करके भर्तियां जो है वो की जाएंगी। 84 ऐसे भी स्कूल हैं जिनका संचालन शुरू होगा, इसके लिए 2100 शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अन्य पदों पर भर्ती जो है वो होगी। अगली नजर, सीबीएसई ने बदला 10वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम, इस्लामी जो शासक हैं उनके पाठ जो है वो हटाए गए, शीत युद्धकाल गुट निरपेक्ष आंदोलन समेत कई पाठों को हटा दिया गया है। एनसीईआरटी की सिफारिश पर जो है पाठ्यक्रम में बदलाव जो है वो किया गया है और इस बार एक ही बोर्ड परीक्षा के संकेत जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अगली नजर, यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम से बाहर और गलत प्रश्न जो है उन पर मिलेंगे पूरे अंक। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन से पहले जो परीक्षक हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि कोई ऐसा प्रश्न है जो कि पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया है तो उसके पूरे अंक जो है वो दिए जाए। और परीक्षार्थियों ने भले ही उस प्रश्न को हल ही ना किया हो अथवा प्रयास भी ना किया हो, फिर भी उसके पूरे अंक जो है वो दिए जाएंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ संस्कृत में पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए थे सवाल, इसकी बात यहाँ पर भी की गई है, जिसमें प्रश्न संख्या 17 का, 18 का आदि निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके बाहर के थे, तो इसके जो प्रश्न है उन पर सभी को अंक मिलेंगे, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली दिन से बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन की संख्या 75,000 पार जो है वो पहुंची, बहुत स्पीड में लगातार आवेदन जो है वो बीएड के हो रहे हैं। पहले और दूसरे दिन आई जो दिक्कत है उसको विश्वविद्यालय ने दूर कर लिया है। जो 75 जिले हैं, 75 जिले हैं उनमें बनाए जाएंगे केंद्र, हर जिले में हो सकते हैं 7 से 10 केंद्र। तो रुहेलखंड जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इस बार ये बीएड की परीक्षा कराई जा रही है, तो उसमें 75,000 से अधिक आवेदन की बात की गई है। और 18 अप्रैल से शुरू हुई थी, पहले ही दिन लगभग 10,000 आवेदन भी भर गए थे, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगले दिन से 20 मिनट पहले पहुंचना होगा केंद्र पर। डीएलएड बीटीसी पिछड़ के विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2022 में जो स्टार्टिंग में हमने अभी नोटिफिकेशन देखा था उसी की बात की गई है कि 20 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा और परीक्षाएं 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। अगले दिन से शासन प्रशासन और कर्मचारी दरोगा के 9,534 पदों के लिए 2 चरणों में होगा अभिलेख जो है उनका सत्यापन। तो दरोगा के 9,534 पदों पर होने वाली भर्ती की बात जो है यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है पीएचडी से संबंधित कि पीएचडी में प्रवेश के लिए आज से जो है वो करें आवेदन।
विश्वविद्यालय में 227 और कॉलेजों में 387 सीटों पर जो है वो प्रवेश देखने को मिलेगा। अगली न्यूज यूपी बोर्ड से संबंधित है कि कोर्स से बाहर के सवाल पर मिलेंगे पूरे अंक, जो कि हमने ऊपर देखा भी था, और कम से कम 30% पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाने का बोर्ड ने परीक्षक जो है उनसे सभी परीक्षार्थियों को समान अंक देने के निर्देश दिए हैं। अगली न्यूज है शिक्षक जांचेंगे कॉपी, 2 साल की बाध्यता जो है समाप्त, प्रयागराज से न्यूज है। और इसमें बताया गया है कि पहले 2 साल से कम अनुभव वाले जो शिक्षक हैं उनको कॉपियां जांचने को नहीं जो है वो दी जाती थी, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नव नियुक्त जो शिक्षक हैं उनकी भी ड्यूटी उत्तर पुस्तिका जांचने में जो है वो लगाई गई है, तो नए शिक्षकों को भी इसमें जोड़ा गया है। बीमारी के नाम पर मांगी छुट्टी तो कराएंगे जांच, ये लिखा हुआ है। अगली उनसे परीक्षा का पैटर्न बदल गया, उत्तर कैसे लिखें कि जल्द पूरा हो, यहाँ पर सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर अलग अलग प्रश्न हैं, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ पीएचडी में प्रवेश के लिए आज से करें आवेदन, जो कि हमने ऊपर देखा। अगली न्यूज़ यूपी बोर्ड 10वीं संस्कृत में 33 नंबर मुफ्त में मिलेंगे, जो कि हमने ऊपर बताया कि संस्कृत का जो पेपर था उसमें काफी प्रश्न बाहर के आए थे, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अब लास्ट की सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। सबसे पहली करंट अफेयर है कि तीरंदाजी, भारत ने फ्रांस को हरा करके स्वर्ण पदक जो है वो जीत लिया है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर अलग अलग नाम दे रखे हैं, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज भी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि रवि गोल्डन हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, एशियाई कुश्ती की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम जो है उन्होंने शनिवार को एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक जो है वो लगा दी है, उसी की बात यहाँ पर की है। और बजरंग पुनिया और गौरव जो है उन्होंने रजत पदक जो है वो जीता है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। स्वियातेक की लगातार 21वीं जो है वो जीत, और राडू कानू को हरा करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है इगा स्वियातेक, इन्होंने अपनी जीत का सिलसिला 21 मैच तक बढ़ा दिया है, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।